हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा। प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 7। प्रोग्रेशन सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करेंगे हम। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन में 3 टाइप्स के प्रोग्रेशन होते हैं। एक को कहते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सेकंड होता है जीपी, जिसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। थर्ड वाला होता है एचपी, इसको हम कहते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये 3 टाइप्स के प्रोग्रेशंस हमको है। अभी हमको सिर्फ एपी और जीपी करना है। तो सबसे पहले हम एपी सॉल्व करेंगे। एपी के अंदर क्या रहता है, फर्स्ट टर्म। एपी के अंदर या जीपी के अंदर, दोनों का भी फर्स्ट टर्म क्या रहेगा, ए रहेगा। उसी तरह कॉमन डिफरेंस को हम कहेंगे डी। कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, ए। एपी के अंदर क्या रहेगा, जो डिस्टेंस बिटवीन है एज इट इज रहेगा, ए 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह। अब 2 - 1 कर दीजिए 1, 3 - 2 करिए 1, उसी तरह 5 - 4 कीजिए 1, या 4 - 3 कीजिए 1। तो जो कॉमन डिफरेंस है ये एज इट इज रहना। कॉमन डिफरेंस कितना है इसका, 1-1 का है, तो इसको हम एपी कहते हैं। अगर कॉमन डिफरेंस है, समझे 2 है, 5 है, 9 है, इस तरह है, ये 5 - 2 क्या हो जाएगा 3, 9 - 5 क्या हो जाएगा 4, एक कॉमन डिफरेंस अलग अलग है, तो ये एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। तो कॉमन डिफरेंस का जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू a2 - a1 कहते हैं। d = a2 - a1 और एपी की सीरीज पहले लिखेंगे हम। एपी की सीरीज क्या होती है, a प्लस d, a+2d, a+3d, इस तरह a+nd तक हम लिख सकते हैं। ए क्या हो जाएगा, ये a1 = a हो जाएगा, a2 = क्या हो जाएगा, a+d हो जाएगा, a3 = क्या हो जाएगा, a+2d हो जाएगा, a4 अगर ले लेंगे आप तो a+3d हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको गौर करने वाली एक बात है, जो भी टर्म ले रहे तो एक कॉमन डिफरेंस इसके अंदर कम आ रहा। क्यों कम आ रहा, सपोज इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्मूला an = क्या हो जाएगा, a+n - 1 * d हो जाएगा, an = a+n - 1 * d। तो हम क्या करेंगे, जब भी a4 है, समझिए a4 = आप ले रहे क्या है, a4 = क्या हो जाएगा, a+n 4 है, 4 - 1 * d, a+ इन दोनों को माइनस कीजिए 3d, इस तरह यहाँ पर 3d आ रहा। तो हम क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन करने के लिए हम एक d कम लेके सॉल्व करेंगे, ये फॉर्मूले के बजाय वो भी हम ले सकते हैं। जैसा 10 है, a 10 है तो a+9d यहाँ पर लिखेंगे, a 10 है तो a+9d, a 15 लिख रहे तो a+ क्या हो जाएगा 14d, a 100 लिख रहे आप तो a+99d, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में n-1 है तो इसका -1 लिए तो एज इट इज हो जाएगा। तो इस तरह हम लेके सॉल्व करेंगे, ये an हो गया। सेकंड वाला फॉर्मूला, ये anl = भी ले सकते हैं हम लोग, a+n - 1 * d, l को लास्ट टर्म कहते हैं, लास्ट टर्म, l को भी हम लास्ट टर्म कह सकते हैं। सेकंड वाला फॉर्मूला, थर्ड वाला फॉर्मूला सम ऑफ द नंबर्स का, sn, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n/2 (2a+n - 1 d) ये बन जाएगा। इसका एक और फार्मूला शॉर्ट ले सकते हैं, an = n/2 (a+l) ले सकते हैं,
शॉर्ट फार्मूला भी हम यहाँ पर ले, ये हम सॉल्व करें एपी। अब नेक्स्ट सॉल्व करेंगे सेकंड वाला है जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसकी सीरीज लिखेंगे हम, पहले सीरीज क्या हो जाएगी, ए आर स्क्वायर, ए आर पावर ऑफ 3, इस तरह ए आर पावर ऑफ एन। तो जीपी में क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस, यहां पर कॉमन रेशियो हो जाएगा, इसको हम कॉमन रेशियो कहेंगे, कॉमन रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए टू बाई ए वन हो जाएगा। इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, ए वन इज इक्वल टू ए होगा, ए थ्री इज इक्वल टू ए आर पावर ऑफ 2 होगा, ए फोर इज इक्वल टू ए आर पावर ऑफ 3, इस तरह एक आर आपको मिलेंगे। फार्मूला इसका ए एन इज इक्वल टू ए आर पावर ऑफ एन माइनस 1, ये फार्मूला यहाँ पर बन जाएगा। ये दो फार्मूले इसके अंदर है। तो जीपी के अंदर भी क्या होना चाहिए, रेशो बराबर होना चाहिए, जैसा 1/2, 1/2, 1/2, पूरों का कॉमन रेशो इक्वल होना चाहिए। अगर जिसके अंदर इक्वल अगर नहीं है तो हम उसको भी जीपी नहीं कह सकते। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलिए, ताकि नए आने वाले वीडियोस आप तक जल्दी पहुंचे।